अन्यंग एरोवन मन्ना सभंगा होयो। दोस्तों, जैसा कि मैं रेगुलर आपके साथ कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, जिस स्पीड से केपॉप और के ड्रामास की डिमांड बढ़ रही है, उतनी ही स्पीड से कोरियन लैंग्वेज की भी डिमांड बढ़ रही है। और यही वजह है कि 9 अक्टूबर यानी हंगुल डे को स्पेशल बनाने के लिए 26 कोरियन वर्ड्स को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किया गया है, जिसमें से काफ़ी वर्ड्स के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जिसमें नूना, अन्नी, ओप्पा और कोरियन फूड्स लाइक किम्बाप, जापचे, बुलगोगी, सांग्योपसाल और मुकबंग शामिल है। दोस्तों, अगर आप इन कोरियन वर्ड्स और कोरियन फूड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर बनी हमारी वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं अदर कोरियन वर्ड्स की, जिन्हें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड किया गया है। कोरियन वेव। दोस्तों, आपने इस वर्ड को तो सुना ही होगा। इस कोरियन वर्ड का मीनिंग हिंदी में लहर होता है, यानी पूरी दुनिया में जिस स्पीड से कोरियन ड्रामास और के पॉप की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसका मीनिंग हालियू वेव या कोरियन वेव होता है। फाइटिंग एंड देवत। दोस्तों, इन दोनों ही वर्ड्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड किया गया है और इन दोनों ही वर्ड्स को आपने के ड्रामास और के पॉप सॉन्ग्स में सुना होगा। इस कोरियन वर्ड फाइटिंग का मीनिंग चीयर अप होता है, जिसका यूज किसी को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। वहीं देवक का मीनिंग अमेजिंग, ऑसम और कूल होता है, जिसे आप अपने फेवरेट के स्टार के लिए यूज कर सकते हैं। एग्यो। कोरिया में एग्यो का मीनिंग अट्रैक्टिव होता है। इजी वर्ड्स में कहें तो किसी पर्सन को अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन या वॉइस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एग्यो कहा जाता है। स्पेशली इस बिहेवियर को के ड्रामास में गर्ल्स को यूज करते हुए दिखाया जाता है। हानबुक। दोस्तों, कोरियन डिक्शनरी में हानबुक को भी ऐड किया गया है और आपको याद भी होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने जोंगकुक के हानबुक क्लब के बारे में डिस्कस किया था। हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता, वे हमारे इस टॉपिक पर बनी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। के। कोरियन डिक्शनरी में के वर्ड को नाउन फॉर्म में यूज करते हुए ऐड किया गया है, जो के पॉप, के ड्रामा, के ब्यूटी, के फूड और के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मानवा। कोरियन वर्ड मानवा का मीनिंग कॉमिक या वेबटून होता है। ये कोरियन वर्ड जैपनीज वर्ड मांगा और चाइनीज वर्ड मानवा से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि कोरिया में कॉमिक्स और वेबटून कल्चर काफी पॉपुलर है और इसी बात का ध्यान रखते हुए BTS की वेबटून भी बनाई जा चुकी है। हमारे जिन दोस्तों को BTS वेबटून के बारे में नहीं पता, उन्हें लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और बताएं आपको इनमें से किस किस वर्ड के बारे में पता था। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गमेतो बायो।